सीडीएस विपिन रावत करने जा रहे हैं ऐसा काम। लद्दाख से अरुणाचल तक आंख उठाकर नहीं देखेगा चीन। भारत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल विपिन रावत के रूप में मिल चुका है। नए साल के पहले दिन सीडीएस का पद संभालते ही उन पर सेना के तीनों अंगों में हर स्तर पर सामंजस्य कायम करने और उनकी संयुक्त शक्ति का सर्वोत्तम यूज करने की जिम्मेदारी भी आ गई। इसी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत अपनी तरह का विशेष थिएटर कमांड्स तैयार करेगा। ये थिएटर कमांड भारत को उत्तरी व पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारी शत्रु से सुरक्षा प्रदान करेगा और युद्ध की स्थिति में दुश्मन का नामो निशान मिटा देगा। ये थिएटर कमांड आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एकीकृत करके बनाई जाएगी। ये होता है थिएटर कमांड। सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ साथ अन्य सैन्य बलों को एक भौगोलिक क्षेत्र में एक ही ऑपरेशन कमांडर के नीचे लाकर थिएटर कमांड बनाया जाता है। ऐसे कमांड सुनिश्चित करते हैं कि जल, जमीन और हवा में सामंजस्य बनाकर युद्ध अभियानों का संचालन हो। इस तरह का कमांड बनाना किफ़ायती होता है, इससे संसाधनों की बचत होती है और उसका बेहतर इस्तेमाल होता है। देश में एक ही थिएटर कमांड है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसे अंडमान और निकोबार कमांड के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए पड़ी ज़रूरत थिएटर कमांड्स के जरिए देश के करीब 15 लाख सशक्त सैन्य बल को पुनर्संगठित किया जा सकेगा, जिसे अभी आधुनिकीकरण के लिए फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा वेतन और भत्तों के बढ़ती ज़रूरतों पर ही खर्च हो जाता है। भारत में अभी 17 सिंगल सर्विसेज कमांड्स हैं। इनमें 7 आर्मी के, 7 एयरफोर्स के और बाकी 3 नेवी के हैं। बड़ी बात यह है कि देश में सिर्फ 2 ही यूनिफाइड कमांड्स हैं। स्ट्रेटजिक फोर्सेज कमांड की स्थापना 2003 में की गई थी। इस पर परमाणु शस्त्रागार को संभालने की जिम्मेदारी है। अमेरिका और चीन के पास हैं थिएटर कमांड्स। अमेरिका के पास 11 एकीकृत लड़ाकू कमांड हैं। इनमें 6 भौगोलिक कमांड को दुनिया के अलग अलग हिस्सों को कवर करता है। इन्हीं में एक इंडो पैसिफिक कमांड है जो भारत समेत पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों पर नज़र रखता है। वहीं 5 फंक्शनल कमांड हैं जो परमाणु शस्त्रागार, विशेष अभियानों, साइबर स्पेस, परिवहन, आवाजाही को समर्पित हैं। वहीं चीन ने 2016 में अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 23 लाख जवानों को पुनर्संगठित करते हुए 6 थिएटर कमांड बनाए थे। वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत के साथ लगे पूरे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को कवर करता है, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है।